तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, क्या करने वाली हो तुम? हम पापा के ऑफिस जाएंगे। अगर सारे निर्णय डिपार्टमेंट लेता है तो पापा के ऑफिस में उनके बॉस के पास रिटर्न ऑर्डर होगा। वो एक बार मिल जाए ना तो एक चार्ज तो एक कंप्लेंट अपने आप ही खारिज हो जाएगी। उसके बाद हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो पैसे थे वो जानबूझकर घर भिजवाए गए थे पापा को फंसाने के लिए। तो फिर हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ, मयंक छोड़ देगा। प्लीज तुम मम्मा के पास रुको, प्लीज। ओके। तुम जानती हो ना कि तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा तुम्हारे पापा है ही ऐसे, लोगों की भलाई करने पे उतारो, मगर ये सब काम तो अमीरों के चोचले, अब डिपार्टमेंट के पैसे के साथ खिलवाड़ तो। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप सालों से जानते हैं राजीव बंसल को, आप जानते हैं उन्होंने ना तो आज तक डिपार्टमेंट का नुकसान किया है और ना ही अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। बेटा अब सच सामने है, ये बिल ये तो नियम के खिलाफ है ना। कौन से नियम? और ऐसा पहली बार हुआ है क्या? जन सेवा संस्थाओं को सरकारी रियायत मिलना, ये तो डिपार्टमेंट की कॉमन प्रैक्टिस है ना। बोलिए हम सही बोल रहे हैं? वो तो है, और आप तो नियम के बहुत पक्के हैं, तो लिखित ऑर्डर पहले आपके पास आते होंगे जो आप आगे पास ऑन करते होंगे, हम ये भी सही बोल रहे हैं? तो हमें बस वो ऑर्डर दिखा दीजिए जो आपके पास आए थे पर आपने पापा को नहीं भेजे। अरे ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं, अगर होता तो हम पहले ही बता देते। कोई अपने साथी को जेल जाने देगा? समझ रहे हैं हम, अब आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप भी जेल जाएंगे ना। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, हमारी दोस्त की बेटी हो इसलिए खामोश है। रुको एक मिनट, ये देखो बिल, 48 लाख का बिल बकाया है अनाथालय का, 4 साल पहले रियायत दी गई थी, ये उसका ऑर्डर है, उसके बाद कोई रियायत नहीं दी गई। तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है, अनाथालय की बिजली कट है जिसकी वजह से सारे बच्चे अंधेरे में पड़े हैं और तुम उसकी वकालत करने आ गई। महेंद्र मैडम को बाहर ले जाओ। रुक जाओ, अनाथालय का बिल 48 लाख का कैसे हो सकता है? नहीं ये गलत है, हमारे पापा को फंसाया जा रहा है और आप भी शामिल हैं उनके साथ। इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए मैडम। हाथ मत लगाना। हम जानते हैं कि ऑर्डर्स आपके पास है और आप किसके कहने पे छुपा रहे हैं हम ये भी जानते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सबूत की जरूरत है और वो हम निकाल करेंगे। लड़की बाहर जा। हेलो सर, बेटी आई थी बाप को बचाने, ऑर्डर मांग रही थी। अरे दे दो ऑर्डर, बाप के सस्पेंशन का ऑर्डर दे दो, भाई जब घर पहुंचा दो। और एक बात का ख्याल रखना जोशी, कि जो असली जो लेटर है ना वो अपने पास संभाल के दबा के रखना, और हाँ किसी भी हालत में राजीव बंसल जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और एक बात और, जो अनाथालय की बिजली है ना वो किसी भी हालत में बहाल नहीं होनी चाहिए। गर्मी से तड़पते बच्चे, अरे अंधेरों में भटकते बच्चे, जितना शोर मचाएंगे उतना हंगामा बढ़ता जाएगा, हंगामा बढ़ता जाएगा, प्रेस हल्ला मचाएगी, जनता उतनी आवाज उठाएगी, राजीव बंसल का जेल से आना मुश्किल होता जाएगा। ओके सर। कभी बदले का स्वाद चखे हो? चख के देखो, चाशनी में जो रसगुल्ला होता है ना उससे भी ज्यादा मीठा होता है, आत्मा को शांति मिलती है बहुत। ए, राजीव बंसल अब मचा शोर। हाय,
आप यहाँ ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं? दीदी बिजली कट गई, कल परीक्षा है। तो आपके सर हैं यहाँ पे? नरेंद्र सर को बुला के। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपने अभी तक बिल क्यों नहीं भरा है? मैडम जी, 48 लाख का बिल कैसे भरेंगे? पर 48 लाख कैसे हो सकता है? आपने कब से बिल नहीं भरा है? 8 महीने से। क्या? मैडम जी, पहले 3-4 हजार से ज्यादा बिल नहीं आता था, लेकिन पिछले 8 महीनों में बढ़कर 6 लाख रुपया हो गया। तो आपके यहाँ कुछ एसी, कूलर या पानी गर्म करने वाला हीटर ऐसा कुछ है? मैडम जी, ये सब कुछ नहीं है। 6 कमरे हैं, हर कमरे में एक लाइट और पंखा चलता है। डोनेशन से तो ये अनाथालय चल रहा है। बच्चों के कपड़े, उनके खाने और जरूरतें ही पूरी नहीं होती हैं, तो हम बिल कहाँ से भरेंगे? इसलिए बिजली विभाग ने अर्जी डाल दी। राजीव जी से हमने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे, तब तक हमें बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। जब काफी दिनों तक बिजली का बिल नहीं आया तो हमने सोचा कि माफ हो गया होगा, लेकिन बिजली विभाग वालों ने आकर बिजली काट दी। फिर दीदी, हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? अरे कमिश्नर साहब, भिजवा देंगे। हाँ, आम बहुत होता है हमारे फार्म हाउस में, पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना आप। अरे उस लड़की ने हमारे नाक में दम कर रखा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। नहीं, आप होंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मैं जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए ना, अभी घर आइए हमारे। और कितना नीचे गिरेंगे नेताजी? उसकी मरी हुई बहन के सामान में आपने पैसे डाल दिए, आपको शर्म नहीं आती? आदि, ऐसे बात करते हैं पापा से? हाँ हाँ, भैया हमेशा की तरह हमें ही रोके आप। अरे कब तक इनकी हरकतों पर लीपापोती करेंगे, थक नहीं जाते? अरे कौन सी हरकतें यार, लौंडिया आकर के तुम्हारे कान भरे जाती है और तुम बिना सोचे समझे पापा पे चले जा रहे हो। ए, सुनो छोटे, निक्कर में रहो अपने, कई दे रहे मत, दिमाग खोल जा रहा हूं बता रहे। ओमी भैया, बीच में ना बोलो तो अच्छा रहेगा। हम निक्कर में रहे या ना रहे, आपकी पैंट खुली ना तो अच्छा नहीं लगेगा, समझे? और नेताजी, आप पिछले 1 मिनट से चुप है, क्या सोच रहे? हमसे बात करो। भैया बीच में मत पड़िए, हम बोलेंगे। सच तो हम शांत है, लेकिन एक बार के मुंह से सुनना चाहते क्या कान किया इन्होंने। अरे पापा ऐसे बात मत करो। भैया आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है, वो कुछ नहीं आता। अरे कोई पर्दा नहीं। भैया आप मत पड़िए, बीच में हम बोल रहे, वार्निंग दे रहे आपको। घर में अखाड़ा नहीं खोले हम, अभी बाहर जाओ। हमारे दोनों बेटों में एक खासियत है, एक वफादार है और एक होशियार। अब ओमी हमेशा अपनी वफादारी में खरा उतरा है, लेकिन आदि बेटे, तुम्हारी होशियारी पे हमें शक होने लगा है। मानते हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर असली बात को भूल जाए। बताइए नेताजी, आपने ऐसे क्यों किया? फिसल तो गए हो बेटा उस लड़की के शब्द जाल में। दावा तो बेटा कोई भी कर सकता है, मगर सच जो है ना, वो दावे पर नहीं, सबूत पर टिकी होती। अरे बेटा, वो लड़की हमसे चिढ़ती है, नफरत करती है। और एक बात बता दूं तुमको मैं, अगर उसके घर में किसी भी चीज पे अगर मक्खी तक बैठेगी ना, तो वो सबको यही बताते फिरेगी कि ये जो है गिरिराज प्रधान ने प्लांट की है। असली बात तो सबूत की होती है ना। हाँ है सबूत। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप कमिश्नर से शिकायत क्यों कर रहे थे? वो लड़की हमारे घर में इतने सारे बच्चों को लेके घुस आई, तो बोलो हम क्या करते? तो कीजिए ना,
पावर मिनिस्टर है आप, नाथाले को बिजली दीजिए। अरे कभी तो किसी का भला कीजिए। बकवास किया जा रही हो? गांव से अकल की जगह गोबर भर के लाई थी का? उनका दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये जो बच्चों को दुत्कार रहे हैं, उनके दिमाग में क्या भरा है? शहर के कंकड़? वैसे आप ना कुछ गलत नहीं बोल रही थी, बस बर्न की जगह जेलिस यूज कर लीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमने आपके अनाथालय की बिजली बहाल करवा दी है। अरे बस 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 बस, अरे बस 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 बस। बच्चों चलो जल्दी से बस में जाके बैठो उधर। आईएस महोदय, शांति पड़ गई होगी, अब ठंडक पड़ गई होगी ना? पर एक बात बताइए मुझे आप, ये इतनी चीचा लेदर करने से क्या मिला आपको? आपके पिताश्री तो जेल से बाहर आ नहीं सकते। सरानी तो बिजली भी नहीं थी ना, पर आ गई। हमारे पापा भी आ जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।